हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी फहमीन एंड यू आर वाचिंग फहमीन से। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं मिलने जा रही हूँ अपने बेस्टी से। तो गाइस, मैं तो ग्लोरिया जीन्स पहुंच गई हूँ, बट मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने फ्रेंड का, और वो तो टाइम पे कभी आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उससे मैंने बोला है कि टाइम पे आना, तो मुझे अकेले बैठे हुए ना मतलब बहुत ही ऑकवर्ड सा लगता है, तो मैं कभी भी अकेले नहीं बैठती, लेकिन वो नहीं आएगा टाइम पे। देखो, अच्छी तो लग रही हूँ। मैंने थोड़ा कम मेकअप किया, बस लिपस्टिक लगाई है, नहीं किया पूरा मेकअप। क्योंकि ये ट्रीट सिर्फ इसी शर्ट पर डन हुई थी कि मैं मेकअप नहीं करूँ। बहुत बोर करता है, इसलिए तेरे साथ कहीं जाने का इंसान प्लान नहीं बनाता। मेरा बिल्कुल मूड नहीं बनता। मैं तुझे इसलिए कहती हूँ लैपटॉप ना लेके आया कर यार, बोर करता है तू बहुत। तुझे तो बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं होती किसी से मिलने की भी, खासतौर पर मुझसे मिलने की तो नहीं होती होगी। फक ऑफ। तो मैंने आज बोरिंग शख्स के साथ यहाँ पे ग्लोरिया जींस में कॉफ़ी पीने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं बोर हो रही थी घर में, तो मैंने सोचा मैं घर से बाहर जाके बोर होती हूँ। इसे बोलो हमने कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। मिनी को बेबी कीनो ये ना पिए। बेबी कीनो नहीं, बेबी कीनो, बेबी चॉकलेट मैकेडमी ने ला थे ये पीते हैं। लंबा नाम है, वाइट चॉकलेट मोचा। तुम मुझे ट्रीट दे रहे हो गाइस। आई नो ये व्लॉग और भी लंबा और अच्छा हो सकता था, बट क्योंकि कुछ फ्रेंड्स की ऐसी कन्वर्सेशन होती है जिसको मैं नहीं आप कर सकती थी, तो दैट्स वाई मैंने इसको बस इतना ही रखा। और हम लोग आपस में इतनी बातें कर रहे थे कि टाइम का पता ही नहीं लगा, और हमें तक काफ़ी रात होगी और मुझे गिफ्ट भी लेना था। तो फिर वो सीरियसली गाइस, बहुत मज़ा आया मुझे आफ्टर लॉन्ग टाइम। अगर आप किसी अपने दोस्त से मिलते हो तो मतलब अच्छी फीलिंग होती है, अच्छी वाइब्स आती हैं, और आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हो अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, तो ज़िंदगी में एक ब्रेक तो बनता है बॉस। गाइस, ये मेरे को यूनिक चीज़ें ढूंढ रहे हैं। क्या है यहाँ पे यूनिक? हाँ देखो, तो हुआ ये सीन था कि मुझे मेरी जो स्नैपचैट की मेमोरी है ना, उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आई, और उस स्टोरी में ये था कि हम लोग बैठ के खा रहे थे तरियाकी और ग्लोरिया जींस में, तो फिर हमें अपनी पुरानी यादें याद आ गई, तो फिर हम गए वहाँ पर तरियाकी खाने, पर हम तरियाकी नहीं खा कर आए हैं। तो असल में मैं गई थी अपना गिफ्ट लेने के लिए, तो मैंने अपना गिफ्ट ले लिया, और दिस वंस इज माय फेवरेट गिफ्ट एवर। मेरी बर्थडे पे जो था, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया था, तो इसको लेने के लिए मैं वहाँ गई थी। हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आज, तो इनकी इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो उसके लिए हमें इसको यहाँ से शायद काटना पड़ेगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली कैसे पड़ेगा, तो मैं इसको काट ही लूँगा। इसको इस शेप का बनना चाहिए, इस शेप का, इस वाले शेप का, तो मुझे इसको इस शेप का बनाना है। उसके लिए मुझे पता नहीं क्या करना होगा यार, जस्ट हो नहीं पा रहा, तो मुझे ये मिला, और इसके अंदर से मिली है मुझे ये बुक, ओके। सो मैंने बाय किया है ये सेकंड वाला, ठीक है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग अब इसको बिल्ड करने वाली हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा बिल्ड, तुम लोग को दिखाती हूँ। ये देखो यार, मैंने इसको थोड़ा थोड़ा कर लिया है ऐसे, ये इस तरह से बन गया, और फिर मैं इसको दोबारा से वैसा करूँ, इसको दोबारा से वैसा करने के लिए यहाँ करना होगा,
मैंने ये भी मुझे गिफ्ट मिला था, बट ये मुझे बहुत पसंद आया था, बट ये चलता नहीं है, पता नहीं इसको कैसे चलाते हैं। The Bluetooth wife is ready to pair. ये देखो ये लिखा हुआ वायरलेस स्पीकर, बट ये बाहर के बगैर चलता ही नहीं है। मैंने कितना ट्राई किया अब से, इसका जो था ना वो मैनुअल था और इसके ऊपर लिखा हुआ था कि यार इसको आप जो है वो चार्जिंग टाइम 3 hours और वर्किंग टाइम अप टू 4 hours। ये शायद तुम लोग को नज़र आ रहा हो। तो अब मैंने ये डिसाइड किया है, इसका जो दूसरा पार्ट था वो मेरे फ्रेंड ने अपने पास ही रख लिया था, दो गिफ्ट क्यों दूँ मैं, ही सेड। एक गिफ्ट इतनी मुश्किल से मैंने लिया उससे, बर्थडे क्या बर्थडे गुजर गई, नेक्स्ट बर्थडे आने वाली है यार, ऐसे पक्के दोस्त हैं मेरे। हाँ तुमने तो गिफ्ट ही नहीं दिया, बेस्टी से तो मांग के लिया जा सकते हैं, तो फिर मैंने मांग के लिया और हमें पता था हमें इसे रिटर्न जरूर कराना पड़ेगा क्योंकि वहां पर हमें इसे टेस्ट नहीं कर पा। ये मेरा गिफ्ट एंड आई लव इट सो मच, मुझे तो प्यार आ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है मुझे, वन ऑफ माई बेस्ट गिफ्ट एवर। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है। ओके बाय बाय।